कांग्रेस को 5 राज्यों में चुनावी हार के बाद बैठकों का दौर जारी है। शुक्रवार को पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और कांग्रेस में सुधार को लेकर पार्टी अध्यक्ष को सुझाव दिए। आजाद के इस रुख पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनके फैसले का स्वागत किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने शनिवार को ये कहा कि गुलाम नबी आजाद सालों से पार्टी में है, वह सब कुछ जानते हैं, इसलिए उन्होंने वहां हस्ताक्षर करने वालों यानी G23 के नेताओं से बात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के दौरान गुलाम नबी आजाद ने पार्टी को साथ रखने की बात कही है, यह एक बहुत अच्छा संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि वह पार्टी को मजबूत करना चाहती हैं और यह एक स्वागत योग्य कदम है। CWC की बैठक में कांग्रेस नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार पर सवाल करने वाले नेताओं पर खड़गे ने कहा कि हम हमेशा चाहते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी एक साथ आएं। हम सभी जिम्मेदार हैं, अकेले गांधी परिवार को जिम्मेदार बताना सही नहीं है। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर शुक्रवार को मुलाकात करने के बाद आज़ाद ने संवाददाताओं से कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए सोनिया गांधी जी से चर्चा होती रही है। कुछ दिन पहले कार्य समिति की बैठक हुई थी और कार्य समिति से सुझाव मांगे गए थे कि हार के क्या कारण है और कैसे पार्टी को मजबूत करना है। मैंने भी अपने सुझाव दिए थे, आज मैंने संगठन को मजबूत करने के लिए अपने सुझावों को वापस दोहराया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।